अब इंटरव्यू के टाइम पे क्या बातें ध्यान रखनी है? तो सबसे पहले कि इंट्रोड्यूस माई सेल्फ में कितना बोलना है। तो अगर आप एमटेक में हो तो आप बताओ कि आप कहाँ से हो, ठीक है? अगर आपने कुछ स्कूलिंग में बहुत अच्छा किया, टॉप किया है, या बहुत अच्छे आपके परसेंटेज है तो आप मेंशन कर सकते हो, नहीं तो अगर नॉर्मल है तो आप स्किप कर सकते हो। फिर आप बीटेक का बताओ कि किस ब्रांच से किया है, किस कॉलेज से किया है और आपका क्या सीजीपीए रहा है। फिर अगर आपने जॉब कुछ किया है तो उसके बारे में बताओ। फिर एमटेक आप किस ब्रांच से कर रहे हो, एमटेक में आपकी क्या सीजीपीए है वो बताओ। और सबसे जो लास्ट में होता है ना, वो लास्ट के एक दो लाइन होता है, ठीक है? तो आप उसमें ये बताओ तो दोस्तों एक दिसंबर से आईआईटी में प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाली है, तो मेरे कुछ जूनियर पूछ रहे थे कि कैसे प्लेसमेंट इंटरव्यू में क्या बोलना है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो मुझे लगा क्यों नहीं एक वीडियो बनाई जाए छोटी सी, और इसमें आपको बताया जाए कि मेरा क्या ओपिनियन है इस बारे में। तो सबसे पहले मैं एक लाइन के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा आज का ये वीडियो। बी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। तो हम हमेशा इमेजिन करते रहते हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। एक्चुअली में आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, और जो आपको डर लग रहा है वो सबको लगता है। मेरे टाइम पे मुझे भी लगा था और मेरे पूरे बैचमेट को भी लगा था। तो अगर आपको डर लग रहा है तो ये बहुत ही नॉर्मल फेनोमेना है, आपको इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपको ये करना है कि आप क्या कर सकते हो। किसी भी प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए कि अगर हमें डर लग रहा है और कुछ हम ये बाकी के 2 दिन में हम क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो आप अपने कर्म पे ध्यान दो, और ये 2 दिन में आपको जो टॉपिक अच्छे से नहीं आता है, जो थोड़ी थोड़ी भूल रहे हो, आप उसको पढ़ते रहो। तो इससे क्या होगा कि आपका ध्यान भी लगा रहेगा और आपको डर भी कम लगेगा। और अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो आप 2 काम कर सकते हो। फर्स्ट कि आपने अपने लाइफ में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में भी सर्वाइव किया होगा। आपको गेट एग्जाम में डर लग रहा होगा, फिर आपने एक अच्छी रैंक लाया है तो आप अभी अच्छे जगह हो, या आपने जेई मेंस दिया होगा बीटेक के लिए, तो आप वो सब सिचुएशन को याद कर सकते हो कि उस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हम अच्छा किए थे, तो आज भी हम इसके लिए अच्छा करेंगे। दूसरी चीज ये कर सकते हो कि आप अपने फ्रेंड से बात करो जो आपके अच्छे फ्रेंड है, थोड़ा जो इम्पल्स आया होगा वो थोड़ा रिलैक्स होगा और फिर से आप अपने काम में लग सकते हो। और अभी आप लोग घर पे हो तो आप ये कर सकते हो कि आप अपने पेरेंट्स को ये बताओ कि रोज रिजल्ट नहीं आता, 2-3 दिन में रिजल्ट आता है। जैसे आपका फर्स्ट डे हो गया तब तो वेल एंड गुड आप बता दोगे, बट अगर आपका नहीं होता है तो वो लोग भी परेशान हो जाएंगे कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो भी डर जाएंगे। इसलिए आप अपने पेरेंट्स को बताओ 2-3 दिन में रिजल्ट आता है, ताकि वो भी थोड़ा रिलैक्स रहे, और जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा आप बता देना। आपको एक बात याद रखनी है कि वो आपको सिलेक्ट करने आ रहे हैं, रिजेक्ट करने के लिए नहीं। और अगर आप अपने को खुद को नहीं वर्थ इट मानोगे तो कोई सामने वाला बंदा कैसे आपको मान सकता है। तो पहले तो आप सोचो कि आप उसके लिए सुटेबल हो। आपको ये अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा, तभी कोई बंदा आप पे विश्वास कर पाएगा। और अभी क्या हो रहा होगा ना कि आपको बहुत सारे रिटेन एग्जाम का रिजल्ट आ रहा होगा, तो किसी का 1-2 एग्जाम में नहीं हो रहा होगा, किसी का 3-4 में नहीं हो रहा होगा, तो बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। और पता चला है कि कि आप उसमें पहुंच भी नहीं पाए, आपका फर्स्ट डे सिलेक्शन हो गया, ठीक है, सेकेंड डे आपकी एक कंपनी में हुआ था उसी में सिलेक्शन हो गया। मेरे पास टाइम कम था, जॉब में थोड़ा सा ज्यादा काम होने लगा तो मैं और ज्यादा वीडियो नहीं बना पाया। तो मैंने 4 ही वीडियो आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस का अपलोड किया है, तो आपने जतिन का देखा होगा कि सैमसंग में उसका फर्स्ट डे कोई इंटरव्यू नहीं था और सेकेंड डे केवल उसका सैमसंग का था और उसी में उसका हो गया सिलेक्शन। इसी तरह आपने गौरव का देखा होगा कि वो सोच के रखा होगा कि इंटेल में तो मेरा हो ही जाएगा, ठीक है, इंटेल में उसका रिटर्न ही क्लियर नहीं हुआ, बट हाँ कॉलकॉम में उसका रिटर्न क्लियर हुआ था और कॉलकॉम में उसका सिलेक्शन हो गया। तो आपको ये सब ज्यादा नहीं सोचना है इसमें कि मेरा इसमें नहीं हुआ, उसमें नहीं हुआ। और दूसरी बात है कि किसी कितने लोगों का वेटिंग में आ रहा होगा, सेकेंड डे जो कंपनी होगी उसका भी वेटिंग लिस्ट में आपका नाम होगा,
तो आप टेंशन मत लो, आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि फर्स्ट डे बहुत लोग निकल जाते हैं, तो जो सेकेंड डे वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर हो जाती है और आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। तो दोस्तों अब हम इस पे चलते हैं कि हमें इंटरव्यू के पहले पहले क्या क्या हमें प्रिपेयर कर लेना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप ड्रेस के बारे में सोचो कि आप क्या पहन के इंटरव्यू देने वाले हैं। अगर हो सकता है तो अगर आपके पास सूट है तो आप वो पहन लो, या अरेंज हो सकती है तो पहन लो, नहीं तो आप एक फॉर्मल शर्ट पहनो, टाई पहनो और बेल ड्रेस हो, अच्छे से रेडी हो के, कि मतलब एक होता है ना, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बट ये छोटी छोटी चीजें ना एड ऑन होती है, आपको देख के थोड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ ये रेडी हो के आया है, ये बहुत सीरियस है। और क्या कर सकते हो कि आप पानी का बॉटल रखो। क्या होगा कि कभी कभी ना आपको इंटरव्यू में कोई कोई चीजें याद नहीं आ रही होगा, बहुत ज्यादा टेंस हो जाओगे, तो आप इंटरव्यूअर से पूछो कि मैं पानी पी सकता हूँ, तो आप थोड़ा डीप ब्रीथ लो और थोड़ा पानी पियो, फिर तो थोड़ा आप रिलैक्स हो जाओगे, फिर से आप अच्छा इंटरव्यू में आंसर कर सकते हो। और आप ना कुछ 20-25 A4 साइज पेपर ले लो, 2-3 पेन ले लो, ताकि उस समय जब एक्सप्लेन करने के लिए रहे तो आपके पास इनफ पेपर हो। अब लास्ट 2 डेज 3 डेज में हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हमने कोई प्रोफाइल का प्रिपेयर नहीं किया, बट हमने रिटर्न दिया और निकल गया। अब हमारे अंदर ना थोड़ी सी लालच आ जाती है कि उसके लिए भी कुछ पढ़ लिया जाए और तो मे बी उसमें हो जाए, बट प्रॉब्लम ये है ना कि आप 2-3 दिन में किसी दूसरे प्रोफाइल के लिए जिसका आपने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया, वो आप नहीं कर सकते कंप्लीट। उससे क्या कुछ नहीं होगा, वो तो कवर नहीं होगा, बट आप बहुत टेंस हो जाओगे। तो मैं तो बोलूंगा कि आप जिस प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे आप उसी का करो, और फिर भी आपको लग रहा है तो आप पॉइंट बना लो कि हाँ मैंने जो प्रिपेयर किया है उसे मुझे ये देखना है, टाइम मिला तो मैं वो चीज पढ़ूंगा। कितने मुझसे पूछ रहे थे कम्युनिकेशन प्रोफाइल के लिए पढ़ो कि नहीं, मैंने भी LSI प्रिपेयर किया है, तो ठीक है कम्युनिकेशन के लिए आप लास्ट में पढ़ लेना जब आपको टाइम मिल जाए। तो बेसिकली आप शॉर्ट नोट से ट्राई करना कि आपने जो बीटेक में पढ़ा है वो एटलीस्ट रिवाइज हो जाए, आपने जो गेट के लिए पढ़ा था। बट हाँ, सबसे पहले आपको ध्यान देना आपने जो पढ़ा है उसमें कोई छूट रहा है वो पहले क्लियर करो, उसके बाद ये चीज करो। और फिर आप अभी तक अगर आपने किसी कोई प्रोजेक्ट लिखा है CV में, अगर वो आपने प्रिपेयर नहीं किया तो सबसे पहले उसमें लग जाओ और उसको पूरा रेडी कर लो। हो सके तो पॉइंट वाइज में लिख लो कि हमें क्या क्या बोलना है, ठीक है? किसी को, अपने दोस्त को ऑनलाइन इंटरव्यू है तो ऑनलाइन उसको एज ए इंटरव्यूअर मार के अपना सारा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो। इससे क्या आएगा ना, एक फ्लो आएगा। और दूसरी बात ना कि आपको कोई डायग्राम यूज करना है तो आप ना लिख के प्रैक्टिस कर लो अभी, कि हाँ 3-4 बार लिखोगे ना तो एकदम फ्लो आ जाएगा। अब एक्चुअली में क्या हो रहा था कि लास्ट ईयर मैंने करीब 3-4 दिन पहले सोचा कि चलो भाई मैं तो, मुझे तो ये आता है, ये प्रोजेक्ट मुझे एक्सप्लेन करना है, तो मैं डायग्राम बना रहा था। तो बेसिकली मैं 6-bit SRAM बना रहा था, बट जब मैंने बनाने बैठा तो कुछ कुछ चीजें छूट रही थी या अच्छे से नहीं बन रहा था, टाइम लग रहा था सोचने में। तो फिर मैंने 3-4 बार बनाया तो इंटरव्यू के दिन पूरा फ्लो में बन रहा था। तो आप इस चीज पे ध्यान दे सकते हो, ये अभी ही टाइम है कि आप वो सारे डायग्राम बना के देख लो। और अभी कोई भी न्यू टॉपिक मत पढ़ो। हाँ, अगर कोई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और वो 1 आवर में कवर हो सकता है तो आप उसको अच्छे से पढ़ लो, बट ऐसा नहीं कि कोई लेंदी सा टॉपिक है जिसमें 2-3 दिन लगेगा उसमें स्टार्ट कर दिए, तो उससे आप बेवजह टेंस हो जाओगे और शायद उससे पूछा भी ना जाए और आपने उसके लिए पूरा खराब कर लिया। तो ये चीज नहीं करनी है। अब इंटरव्यू के टाइम पे क्या बातें ध्यान रखनी है, तो सबसे पहले कि इंट्रोड्यूस माई सेल्फ में कितना बोलना है। तो अगर आप MTech में हो तो आप बताओ कि आप कहाँ से हो, ठीक है? अगर आपने कुछ स्कूलिंग में बहुत अच्छा किया, टॉप किया है, या बहुत अच्छे आपके परसेंटेज है तो आप मेंशन कर सकते हो, नहीं तो अगर नॉर्मल है तो आप स्किप कर सकते हो। फिर आप बीटेक का बताओ कि किस ब्रांच से किया है, किस कॉलेज से किया है और आपका क्या CGPA रहा है। फिर अगर आपने जॉब कुछ किया है तो उसके बारे में बताओ। फिर MTech आप किस ब्रांच से कर रहे हो, MTech में आपकी क्या CGPA है वो बताओ। और सबसे जो लास्ट में होता है ना, वो लास्ट के 1-2 लाइन होता है, ठीक है?
तो आप उसमें ये बताओ कि आपने प्रोजेक्ट कौन सा किया है, मतलब अगर आप प्रोजेक्ट में कंफर्टेबल हो तो आप प्रोजेक्ट का नाम ले लो, मैक्सिमम चांस है कि आपका इंटरव्यू वहीं से सिलेक्ट होगा, वहीं से स्टार्ट होगा, और आपने तो अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, तो गेंद आपके पास है, आप खेल सकते हो कि कैसे खेलना है। और सपोज आपको इंटरव्यू के टाइम पे ऐसा हो रहा है कि आप एक्सप्लेन कर रहे हो आपका प्रोजेक्ट आ गया, तो आप खुद से ही एक्सप्लेन करो कि मैंने ये क्यों किया, ये कर सकता था, मैंने ये क्यों किया, ये बेटर क्यों है, अगर आप किसी से कंपेयर कर रहे हो तो ये क्यों ज्यादा अच्छा है, उसमें क्या डिसएडवांटेज था, इसमें क्या एडवांटेज था। और बेसिकली आप ये भी बता सकते हो कि आपने क्या इसमें डिफिकल्टी फेस की, या इस प्रोजेक्ट का लिमिटेशन क्या है। तो आप पूरे अच्छे से ना एक वो बना लो, पेज पे लिख लो कि इस प्रोजेक्ट में मैं ये बोलूंगा, तो इससे एक ना फ्लो आ जाएगा। और सपोज आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आप नहीं जानते हो, बट हाँ आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ये हो सकता है, तो आप ना पहले बोल दो कि मैं इसका आंसर तो नहीं जानता बट आई कैन गेस। तो आप इस तरह से स्टार्ट करोगे तो उनको लगेगा कि हाँ ये ऐसा नहीं है कि अगर इसको नहीं आता तो वो सीधा कुछ भी बता देता है, तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल फील होगा कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप पूछ रहे हो गेस करने के लिए, उसके बाद गेस कर रहे हो। और लास्ट में ना वो पूछेंगे कि आप क्या पूछ सकते हो, तो आप बेसिकली उस कंपनी कोई काम कर रही, कोई अच्छे प्रोडक्ट बारे में वो पूछ सकते हो, तो उनको लगेगा कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो। फिर आप ये पूछ सकते हो कि लाइक आपका सिलेक्शन तो दिसंबर में हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग आएगी जुलाई में, तो आप ये 6 महीने में क्या कर सकते हो, इससे आपको पता चल जाएगा कि आप 6 महीने में किस डायरेक्शन में आपको फोकस करना चाहिए, और उनको भी लगेगा कि आप इतने क्यूरियस हो कि आप उस 6 महीने को भी यूटिलाइज करना चाहते हो। अब क्या होगा कि दो इंटरव्यू के बीच में आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, तो आप उस बीच थोड़ा पावर नैप ले सकते हो, या आपको पता है कि कौन सा फ्रेंड आपका हमेशा अच्छा सोचता है या आपको डराता नहीं, बेसिकली आप रिलैक्स फील करते हो, तो आप उसको कॉल करके बात कर सकते हो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे। और जितना ज्यादा हो सके काम रहने का ट्राई करो, और मान लो कि आपका एक इंटरव्यू खराब हो गया तो आपको उसके बारे में सोचते नहीं रहना है कि यार मेरा इंटेल का खराब हो गया, इंटेल का खराब हो गया तो कॉल कम का मैं कैसे दूं, तो बेसिकली आपका दूसरा इंटरव्यू भी खराब हो जाएगा। तो हर एक इंटरव्यू नया है, इंटरव्यूअर नया है, उसका सोचने का अलग तरीका है, वो अलग तरीके से पूछेगा, तो इससे कोई रिलेशन नहीं है कि आपका एक इंटरव्यू खराब हुआ है तो दूसरा भी खराब होगा। तो इस बात को आपको उस दिन याद रखना है। फिर ना क्या होगा कि रिजल्ट आना होगा, फर्स्ट डे आपका नहीं हुआ, ठीक है, तो या तो आप कर सकते हो कि भाई अब रोएंगे, उदास रहेंगे और पूरी रात सोएंगे नहीं, ठीक है, इससे क्या होगा कि आप दूसरे दिन भी आपका इंटरव्यू होगा, आप उसमें अच्छे से जगे नहीं रहोगे, तो आप अच्छे से आंसर नहीं कर पाओगे, अपने इंटरव्यू पे फोकस नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आप फर्स्ट डे जब आपका नहीं होता है कोई बात नहीं, आपको पता है कि आपके सीनियर उसमें से कितने लोग का सेकेंड डे हुआ, थर्ड डे हुआ, उनको भी अच्छी कंपनी मिली, तो आप आराम से रिलैक्स हो जाओ। और क्या करो कि अगर आप ऐसे बैठे रहोगे केवल सोने का ट्राई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है नींद नहीं आएगी, तो आप ये कर सकते हो कि उस टाइम पे जो आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करना शुरू कर दो, तो उससे क्या हुआ कि आपका ध्यान भी बटा रहेगा और आपको नींद भी आ जाएगी, फिर आप आराम से सवेरे जाग के फिर दूसरे दिन रिलैक्स होके फिर से इंटरव्यू दो। क्योंकि ये बात हमेशा याद रखना कि आपके सीनियर्स में से बहुत लोग का सेकेंड डे हुआ, थर्ड डे हुआ, उनको अच्छी कंपनी मिली है, तो क्यों टेंशन लेना है कि अब मेरी फर्स्ट डे नहीं हुआ। अब पार्ट आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप पेरेंट्स को बोलोगे, और उस दिन हो सके तो आप बोल सकते हो पेरेंट्स को कि आपके कारण मैं आज सिलेक्ट हो पाया, आप उन सभी लोगों को थैंक्स बोल सकते हो। लाइक मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि रियल हैप्पीनेस डोंट लाई इन मनी फेम, रियल हैप्पीनेस लाई इन ग्रेटिट्यूड, तो आप सबको थैंक कर सकते हो। और दूसरी बात, इससे भी बड़ा काम एक और करना है कि आपके कितने बैचमेट का, सपोज आपका फर्स्ट डे नहीं हुआ है, वो बैचमेट का फर्स्ट डे नहीं हुआ है और वो सेकेंड डे भी बैठ रहे हैं, तो आप उनसे पूछो कि
आपको कौन सी चीज नहीं आ रही है, आप कुछ बताओ, मैं पढ़ के आपको पढ़ा दूंगा, या थोड़ा बात करो, उनको थोड़ा अच्छा फील होगा। क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसका फर्स्ट डे होगा, किसका सेकेंड डे होगा, किसका थर्ड डे होगा, कोई नहीं जानता है। तो आप इस पे ध्यान रखो कि आप अपने बाकी के बैचमेट को भी हेल्प करो। और तीसरी बात, इस वीडियो के कमेंट में लिखना कि आप किस कंपनी में सिलेक्ट हुए हो, ताकि मुझे लगेगा कि मेरा जो ये मैंने जो चैनल स्टार्ट किया था आप लोग के लिए, कुछ मेरा एफर्ट काम आया। और मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा ज़्यादा वीडियो बनाऊं, क्योंकि अभी थोड़ा ज़्यादा काम हो रहा था कंपनी में, तो मुझे टाइम कम मिल रहा था। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेस्ट ऑफ लक, आप सभी अच्छे कंपनी में सिलेक्ट हो जाओगे आई होप। तो बाय बाय दोस्तों।